प्रोसेसेस हम 10th स्टैंडर्ड के साइंस पार्ट के बायोलॉजी की बात कर रहे हैं. 6th चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस. व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? तो वो सारे के सारे प्रोसेसेस, वो सारे के सारे एक्टिविटी जो किसी लिविंग बीइंग को अलाइव रखती हैं, उसको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. वेदर दे आर ग्रोथ या रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सर्कुलेशन हो, वो सब का सब लाइफ प्रोसेस का पार्ट होगा. और ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस जो भी हैं, लिविंग बीइंग के जो भी एक्टिविटीज हैं, वो जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो होता है न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? द होल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड. ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन. और ये न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाए, अपना भोजन खुद बनाए, अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो, जैसे कि प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते, उनको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रखा गया है. तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन. तो जो सेल्फ न्यूट्रिएंट होते हैं, खुद अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. और वो जो एनिमल्स जो कि डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्वायर करते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, खासतौर से प्लांट पर या ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, या वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स अपना जो है फूड फिर खुद से प्रिपेयर करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस होती है. तो फोटोसिंथेसिस क्या है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, इनकी इससे जो है क्लोरोफिल और सन की प्रेजेंस में जो फूड प्रिपरेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट का प्रिपरेशन होता है, खासतौर से ग्लूकोज का प्रिपरेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन प्लांट्स जो है एक्सिबिट करते हैं, दिखाते हैं. फोटो मीन्स है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स है प्रिपरेशन. मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल बाय द ग्रीन प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. एंड ये एक फॉर्मूला है जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर के सन की प्रेजेंस और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6, और वाटर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन की बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाता है. कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इससे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फ्री होता है. अगर हम बात करें रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, वाटर यूज होता है, सनलाइट यूज होता है, और क्लोरोफिल का यूज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू जो लीव्स के सर्फेसेज में पाए जाते हैं टाइनी पोर्स, उनके थ्रू जो है गैसेज डिफ्यूजन गैसेज एक्सचेंज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करता है. वाटर रूट्स के थ्रू आता है फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से रूट के थ्रू जो है एबव पार्ट ऑफ द प्लांट, टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट लीव्स तक पहुंचता है वाटर. एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कि फोटोसिंथेसिस कहां घट रही है घटना? तो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट. मेन इवेंट इन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में घटनाएं क्या घटती हैं? पहला तो ये कि जो सन की लाइट है वो लाइट एनर्जी की ट्रैपिंग होती है, जो पिगमेंट्स होते हैं लाइट एनर्जी ट्रैप वाले उनको क्लोरोफिल बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. फिर लाइट एनर्जी जो सोलर एनर्जी जो सन की एनर्जी है उसका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, जो कि ग्लूकोज के बॉन्ड के केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में जो है कंजर्व रहती है. तीसरी घटना घटती है कि जो वाटर होता है उसकी स्प्लिटिंग होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, तो वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और फोर्थ रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में. इस तरह से फोटोसिंथेसिस की जो घटना है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, बिकॉज इट हैव बोथ द रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, इट इज रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस. एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज इनटू द फ्री ऑक्सीजन, सो इट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. सो the process of photosynthesis is known as redox reaction, means the reduction and oxidation both. Next lecture mein hum log heterotrophic mode of nutrition ke bare mein baat karenge. Thank you.